नमस्कार, मैं हूं मनीष मासूम और आप देख रहे हैं खबरदार। करते हैं अपराध की हर छोटी बड़ी खबर की पड़ताल ताकि आप रहें होशियार। खबरदार में सबसे पहले नजर गुनाह के निशान पर। दिल्ली के एलबीएस अस्पताल में बच्चा चोरी की वारदात, पुलिस ने 24 घंटों में सुलझाई वारदात की गुत्थी, आरोपी दो महिलाएं गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली के बदरपुर में मामूली झगड़े में युवक की हत्या, पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद, एक आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के गुरदासपुर में 15 साल की बच्ची से हत्या से सनसनी, रेप की कोशिश के बाद हत्या की आशंका, पड़ताल में जुटी पुलिस। और यूपी के बाराबंकी में पुलिस एनकाउंटर पर उठे सवाल, पूछताछ के नाम पर उठाकर गोली मारने का लगाया आरोप। ईस्ट दिल्ली जिला पुलिस ने बच्चा चोरी की हैरान करने वाले मामले की गुत्थी को महज 24 घंटों में सुलझा दिया है। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल से दो महिलाओं ने एक नवजात बच्ची को चुरा लिया। बच्ची को लेकर वो अपने घर भी पहुंच गईं, लेकिन सारा मामला तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। फिर भी पुलिस के सामने चुनौती ये थी कि वो आरोपी महिलाओं तक पहुंचे कैसे। ऐसे में पुलिस के लिए मददगार और बच्ची के लिए मसीहा के रूप में एक ऑटो ड्राइवर सामने आया। क्या रहा पूरा घटनाक्रम, जानने के लिए हमारे संवाददाताओं दीपक डालमिया और पवन मिश्रा की यह रिपोर्ट देखिए। ये खबर आपको सावधान करने के लिए है, ये खबर आपको सतर्क करने के लिए है। यहां तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूर्वी दिल्ली की पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। ये महिलाएं कल्याणपुरी थाने के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में जाती हैं और अपनी बातों के जाल में फंसा करके महिला की महज एक महीने की बच्ची थी उसे लेकर फरार हो जाती है। दिल्ली पुलिस को जब इस बात की कॉल मिली तो तत्काल तत्परता दिखाते हुए 16 टीमें को बनाया गया और जो ऑटो ड्राइवर जिसने इस महिला को खोड़ा कोली में छोड़ा था उसने भी काफी मदद की पुलिस की। एक एक घर की तलाशी ली गई और सकुशल बच्ची को बरामद कर लिया है। दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल से दो महिलाओं ने दिन दहाड़े डेढ़ महीने की मासूम बच्ची का अपहरण कर लिया। बच्ची के गायब होने की खबर से अस्पताल में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो दो महिलाएं एक ऑटो में जाती नजर आईं। ऑटो के नंबर से पुलिस पहले तो ड्राइवर तक पहुंची, फिर ड्राइवर की मदद से आरोपी महिलाएं भी पकड़ ली गईं। लेडीज एक बच्चा सवा महीने का लेके गाड़ी के अंदर कपड़े ढक के आई, कहने लगी जी खोड़ा जाना मेरे को सीएनजी पंप। मैंने मैडम चलेंगे ने किराया बताया, वो कहने लगी भैया खोड़ा से अंदर, मैंने खोड़ा से अंदर कहाँ जाओ, कहने लगी अंदर जाएंगे अभी बिल्डर से अंदर टी पॉइंट पर नोएडा की साइड। मैंने छोड़ दूंगा मैडम उसे ले जाने लगे। मैं सोचा कह रहा हूँ गाड़ी के अंदर बैठी बच्चा इस बार हो गया, कपड़े ढका पड़ा था, ओनली पूरी उतर थी, बच्चा रोने लगा। वहाँ जाके बोलने लगे सीएनजी पंप पे मुझे नहीं उतार दो। तो मैंने उनसे बोला कहना मैं आप यहाँ के उतरोगे, आपका ऑपरेशन हुआ टाँगे के लगे, आपको घर तक ही छोड़ देगा। उसे घर तक छोड़ के आया, घर तक छोड़ने के बाद में यहाँ पे आया तो पता लगा तो इनका बच्चा यहाँ से लाभ अस्पताल से उठा लिया था लेकर आया बोल। आपने पुलिस को कैसे मदद किया? पुलिस ने मेरा वहाँ से पता छुटपुट वेस्ट कैमरे से इनकी लेडीज की फोटो निकाली, फिर बाहर पता करा किस ऑटो में गई थी, मेरा फोन नंबर वगैरह घर के एड्रेस निकाला तो मेरे पास फोन करा, कॉन्टेक्ट करके यहाँ बुलाया, फिर मैं वहाँ लेकर आपने पकड़वा दिया। खोड़ा की रहने वाली राजरानी ने गत 10 अप्रैल को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया था। माँ बच्ची की तबीयत खराब होने पर वो अपने पति के साथ 17 अप्रैल की सुबह करीब 8 बजे अस्पताल पहुंची थी। डॉक्टर से जांच कराने के बाद उन्हें दवाई लेनी थी। पति सुमित मेडिसिन विभाग की लाइन में लगकर दवाई लेने का इंतजार कर रहा था। राजरानी बच्ची को लेकर पास में ही बैठी थी। 11 बजे के करीब राजरानी को प्यास लगी,
तो वो पास में बैठी महिला को 5 मिनट में लौट कर आने की बात कहकर बच्ची उसकी गोद में देकर वहां से चली गई। पानी पीने के बाद राजरानी लौटी तो उसके होश उड़ गए, बच्ची और महिला दोनों वहां नहीं थे। कैसे वो हो गई थी, चोरी हो गई थी आपकी? बच्चा उसे खिलाने के लिए दिया था, वो ये पानी पीने के लिए गई थी और एकदम से बच्चा चोरा लेके भाग गई। अच्छा, आपको कब मालूम था कि बच्चा चोरी हो गई? जब बहुत पानी पी के हम आई तो बहुत देखने लगे तो वो बच्चा चुर चुका था, वो लेके भाग। कितने लोग थे चोरी? महिला, दो महिला। नाम मालूम है क्या उनका? नाम उसने खिलाने के लिए लिया था। अच्छा, तो खिला रही थी और मैं पानी पीने चली गई थी। हाँ, पानी पीने गई थी तो 2 मिनट नहीं हुआ था मेरे को जब आगे देखा था, इतने में गायब हो गई। कितने महिला थी जो गैप करने वाली? दो। एक ही, मेरे पास तो एक ही बैठी थी। अच्छा, वही गायब करके ले गई थी। काफी ढूंढने पर भी महिला नहीं मिली तो मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तुरंत छानबीन शुरू कर दी, सीसीटीवी खंगा ले गए जिससे पुलिस ऑटो चालक आजाद तक पहुंच गई और इसके बाद आरोपी महिलाओं तक। इस मामले में महिलाओं को ऑटो से घर तक जाना ही भारी पड़ गया। दरअसल कल्याणपुरी निवासी ऑटो ड्राइवर आजाद ने बताया कि इन महिलाओं ने ऑटो में बैठने के बाद खोड़ा जाने के लिए कहा था। वो उन्हें खोड़ा लेकर पहुंचा तो बाहर रोड पर ऑटो से उतरने लगी, लेकिन आजाद ने धूप में बच्ची के साथ होने पर महिलाओं को ऑटो से घर पर ही उतारने की बात कही। दोनों महिलाएं तैयार हो गईं, वो उन्हें घर छोड़कर अपने काम पर निकल गया। कुछ देर बाद उसे कल्याणपुरी थाने से कॉल आई, तब जाकर उसने पुलिस को महिलाओं और उनके घर के बारे में जानकारी दी। 12 बजे दोपहर में एक हमें PCR कॉल मिली थी कल्याणपुरी थाने में, एक बच्चे की कि एक बच्चे को एक लेडी है हॉस्पिटल से लेकर भाग गई है। तो मामले की गंभीरता को देखते हुए हमने इमीडिएटली 4 टीमें कॉन्स्टिट्यूट की अंडर द लीडरशिप ऑफ ACP कल्याणपुरी एंड SHO कल्याणपुरी। उसके बाद हमने CCTV फुटेज एनालाइज किया तो पता चला कि जो लेडी कंप्लेनेंट थी वो अपनी 1 महीने की बच्ची को लेकर आई थी हॉस्पिटल दिखाने के लिए। वहीं पर उन्हें एक महिला मिली जिन्होंने उनसे बातचीत शुरू की। उनके हस्बैंड लाइन में लगे हॉस्पिटल की और जब लेडी को थोड़ी प्यास लगी तो उन्होंने पानी पीने के लिए गई उनको देके, और उसके बाद जो लेडी जिन्होंने बच्चा लिया था वो उसको लेके भाग गई। इधर जांच पड़ताल में सक्रिय पुलिस ने CCTV कैमरों की मदद से ये पता लगा लिया था कि एक महिला बच्ची को एक ऑटो में बैठाकर कहीं लेकर गई है। इसके बाद ही उस ऑटो वाले की शिनाख्त करके उससे पूछताछ की गई, जिसके बाद खोड़ा इलाके से उस महिला को ढूंढ निकाला गया जिसने अपनी बहन के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। पूछताछ में इस महिला ने बताया कि उसकी अपनी कोई औलाद नहीं है जिस वजह से उसने बच्ची को चुरा लिया था ताकि वो उसे अपनी बेटी बना के पाल सके। थोड़ा सा कुछ क्लूज मिले जिसके बेसिस पे हमने प्रोसेस किया और जो ऑटो लेडीज ने लिया था उस ऑटोज को हमने ट्रेस किया और ऑटो वाले को ट्रेस किया, और उसके बाद जहां उन्होंने ड्रॉप किया था वहां हाउस टू हाउस सर्च वो कंडक्ट की गई, जिसके बाद हम उस लेडी को और उस बच्चे को बरामद करने में सफल रहे। आरोपी पूनम की शादी को 4 साल बीत चुके हैं लेकिन वो अब तक मां नहीं बन पाई। मां बनने की चाहत और समाज का दबाव, ये दोनों बातें पूनम पर इस कदर हावी हो गई कि पूनम ने अख्तियार कर लिया वो रास्ता जिसने इसे गुनहगार बना दिया। इधर पुलिस की मुस्तैदी से अगवा बच्ची को 24 घंटे से भी कम समय में तलाश लिया गया। हालांकि एहतियातन पुलिस अब ये पता लगाने की जुगत में है कि कहीं पूनम पहले भी कोई बच्चा चोरी की वारदात में शामिल तो नहीं रही है। खबरदार के लिए दिल्ली से दीपक डालमिया के साथ पवन मिश्रा की रिपोर्ट। दिल्ली में पार्किंग को लेकर आए दिन कहां सुनी होना आम बात है, लेकिन साउथ ईस्ट दिल्ली के बदरपुर के गौतमपुरी इलाके में ये विवाद इतना बढ़ा कि एक शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। विवाद बाइक पार्क करने को लेकर शुरू हुआ था जिसके बाद 4-5 लोगों ने घेर कर शख्स को मार डाला। क्या है पूरा मामला, शाहनवाज खान की इस रिपोर्ट में जानिए।
इंसाफ दिलाइए, पुलिस वाले हमारे कुछ नहीं सुन रहे, सिर्फ आप हमें इंसाफ दिलाइए। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर 37 साल के अशोक की है। अशोक अब इस दुनिया में नहीं है। मामूली सी बात पर कुछ लोगों ने अशोक की जान ले ली। मामला साउथ ईस्ट दिल्ली के बदरपुर थाना इलाके का है, जहां गौतमपुरी निवासी अशोक उर्फ संजय की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। परिजनों के मुताबिक पार्किंग को लेकर अशोक की अपने पड़ोसियों के साथ कहासुनी हुई थी। जल्दी कहासुनी झगड़े में तब्दील हो गई और फिर मामला इतना बढ़ा कि 4-5 लोगों ने अशोक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौत हो गई। मेरे भाई के साथ कल झगड़ा हुआ, उसके बाद झगड़ा पीसीआर आई, सब शांत हो गया, सारा झगड़ा शांत हो गया। पीसीआर उन लोगों ने मेरी माँ को डंडा मारा, जिससे मेरी माँ के हाथ को फ्रैक्चर हो गया। पीसीआर वाले मेरी माँ को डाल के ले गए। हम लोग जाने के लिए तैयारी कर रहे थे माँ के पास हॉस्पिटल, इतने में ही विशाल अनिल का बेटा है जिससे झगड़ा हुआ था, वो आया, उसने हवा में 2 फायरिंग किए और सारी भीड़ इधर उधर तितर बितर हुई। फिर उसके बाद में मेरा भाई जा रहा था, मेरे भाई को बोला घर जाओ, घर जा रहा था, उसके पीछे भागा 5 आदमी, 3 औरतें, जिसमें कि 4 उसके चाचा थे, जिनका नाम है विनीत, अमित, मिथुन, निखिल, और 3 औरतें पूजा, मुस्कान, अंजलि। औरतों ने पैर पकड़े, आदमियों ने हाथ पकड़े और विशाल चाकू मारा था तबादक। बताया जा रहा है कि बाइक पार्क करने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें मृतक की मां को दूसरे पक्ष के लोगों ने डंडा मार दिया था। इससे अशोक की मां का हाथ टूट गया था। परिजनों ने पुलिस कंट्रोल रूम में शिकायत की। पुलिस मौके पर पहुंची और अशोक की घायल मां को अस्पताल ले गई। पुलिस के जाने के थोड़ी देर बाद फिर झगड़ा शुरू हो गया। आरोप है कि दूसरे पक्ष ने फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान अशोक उनसे भिड़ गया। फिर 5-6 महिला और पुरुषों ने मिलकर अशोक को पकड़ लिया और चाकू से गोद डाला। उसके शरीर पर एक के बाद एक चाकू के कई वार किए गए। इस पूरी वारदात को पीड़ित की बहन के सामने ही अंजाम दिया गया। पांच बार चाकू मारा उसे। और कितने लोग उसको पकड़े थे? 7 लोगों ने पकड़ा हुआ था उसको। अच्छा, 7 लोगों ने पकड़ा होता और 5 चाकू मारे विशाल ने, दबाता उसे चाकू मारे हैं। और पीसीआर वाले पुलिस वाले नहीं थे? पीसीआर वाले मेरी माँ को लेके चले गए थे। अच्छा, उनके हाथ में डंडा मारा सच्चा हो तो। कल रात कितने बजे की घटना? ये 11 बजे की घटना है। भाई की नाम क्या था आपके? अशोक उर्फ संजय। कितनी उम्र थी? 37 साल। अशोक के परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले एक ही परिवार के लोगों ने मिलकर अशोक पर हमला किया था और उसके शरीर पर चाकुओं से कई वार किए गए। घायल अशोक को नजदीक के अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कब? फिर क्या हुआ? चाकू मारे उन लोगों ने। किन लोगों ने? अच्छा अच्छा, कितने बजे कल झगड़ा हुआ था? 10:30 रात में। कहाँ कहाँ चाकू मारा था? अच्छा अच्छा, कहाँ पे ले गए आप लोगों को कब पता चला? वही जो थे हम लोग, वही थे हम लोग। फिर आप लोग कहाँ लेके गए उनको? फिर वहाँ पे डॉक्टरों ने क्या बोला? अपने जवान बेटे को खो चुके परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। घर वालों का कहना है कि अशोक उनके घर में इकलौता कमाने वाला था। उसके भाई की मौत कुछ साल पहले हो गई थी, जिससे दोनों के परिवारों को पालने की जिम्मेदारी भी अशोक के ही कंधे पर थी। अशोक खूब मेहनत कर परिवार को पाल रहा था, लेकिन मंगलवार रात पड़ोसियों से मामूली सी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। पड़ोसियों ने पहले अशोक की माँ की पिटाई की और फिर अशोक पर जानलेवा हमला कर दिया और इसमें उसकी जान चली गई। अशोक की हत्या के बाद से पूरा परिवार बेसहारा हो गया है। उन्हें अशोक के खोने का गम तो है ही, उनके सामने रोजी रोटी का भी सवाल खड़ा हो गया है। मेरे बेटे के साथ में तुझे बता रही हूँ, ये थी वो टाइम पे हॉस्पिटल थी, ट्रामा सेंटर में। हॉस्पिटल में आपको कैसे चोट लगी? मैं तो मैं जा गई हूँ और मैं खूब बाज रही, उंगलियां रखा हाथ में मुगदल था,
अब मैं कह रहे भैया क्या कर रहे हो, बस इतनी तो कही है, इतने तो मैंने मेरे हाथ में, इनके हाथ में मिथुन ने एक कब कब चोट लगी थी आप? मिथुन पहले इनको चोट लगी, फिर बाद में भाई का मर्डर किया। पहले आपको लगी? हाँ, पहले इनको चोट लगी, फिर भाई का मर्डर किया उन्होंने। ये देखो, ये छोटे छोटे बच्चे पाल रहा अपने भाई के लिए, भाई छह बच्चे हैं, तीन भाई के तीन अपने साथ। ये देखो आज लिया, कौन पालेगा इनको? दो लड़के थे, एक पहले गुजर गया और एक अकेला वही था हमारे घर में कमाने वाला, कौन पालेगा उन्हें, कौन देखेगा हमें? अशोक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दावा किया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो बदरपुर थाने के इलाके में गौतमपुरी फेज टू के इलाके में रहने वाले नेबर्स के बीच में एक झगड़ा हुआ, जिसमें अनिल और नितिन नाम के दो भाई हैं और उनका और साथी उनका मिलकर के एक अशोक अलिया संजय नाम के व्यक्ति को चाकू मारा और चाकू मारने पर अशोक अलिया संजय इंजर्ड हुआ और अपोलो हॉस्पिटल में जब उसको भर्ती किया गया तो ब्रॉड ग्रेड डिक्लेयर हुआ, उसकी मृत्यु हो गई है। और इसमें 302 हत्या का मुकदमा दर्ज करके अभी हम इसकी तफ्तीश कर रहे हैं। नितिन और अनिल, नितिन अभी उसको भी चाकू लगा है, वो सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। उसका भाई अनिल, ये सबको अभी पुलिस इनको लाकर पूछताछ कर रही है और इसकी गिरफ्तारी समय पर इनकी गिरफ्तारी अमल में लगी। पुलिस ने अपने दावे के मुताबिक एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया लेकिन दो अब भी फरार हैं। उधर परिजन पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पीसीआर कॉल करने पर आई तो थी लेकिन उन्होंने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। जब वहां तनाव के हालात थे तो पुलिस वाले वहां रुके क्यों नहीं? अगर वे रुके होते तो शायद ये वारदात नहीं होती। खबरदार के लिए दिल्ली से शाहनवाज खान के साथ जितेंद्र भाटी की रिपोर्ट। इंसानियत और रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर देने वाली एक खबर यूपी के गोंडा से आई है, जहां एक पति ने रिश्तों की सभी मर्यादा को ताक पर रख अपनी पत्नी का गैंगरेप कराया और फिर इस पूरी घिनौनी वारदात का वीडियो भी बनवा लिया। दरिंदे बने पति ने पहले अपनी बीवी को गांव के बाहर एक खेत में बुलाया और फिर अपने दो दोस्तों के साथ अपनी ही बीवी के साथ बारी बारी से दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, इस पूरी घटना का अश्लील वीडियो भी बनाया। क्या है पूरा मामला जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। देश भर में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आए दिन महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर हर शख्स गुस्से में है। कहीं आरोपियों की पहचान हो पाई तो कहीं पता ही नहीं चला। इसी बीच यूपी के गोंडा से हैरत में डालने वाला मामला सामने आया है, जहां जिसे जिंदगी भर महिला की इज्जत की रक्षा करनी थी उसी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर असमत लूट ली। मामला यूपी के गोंडा के मोतीगंज थाना क्षेत्र के गांव का है। महिला का आरोप है कि उसके पति ने ही अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ गैंगरेप किया। सर, मैं शादी का 5 साल हुआ था, गोंडा नहीं गया था तो सर तब नहीं ले जाते थे गोंडा, तो पापा ने मेरे गए घर पे उनके गोंडा के लिए, तो सर ये कहीं हमारी लड़की खराब हुई तब सर न उठ जाए तो ये सब सर हमको तीन लोग ये सर मेरे पति ने मुझको फोन करके बुलाया, तब फिर मैं गए थे तो ये सब तीन जने रहे सब शराब के नशे में थे और हमें साथ में ये सब जबरदस्ती मेरे पति ने कराया था फोटो भी और मेरे साथ भी काम कराया है जबरदस्ती, और कहीं घर पर बता दे वो तुम फिर कर लेने जाओ अपने घर तो ना नहीं। पीड़िता के मुताबिक साल 2013 में उसकी शादी गोंडा के मोतीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले प्रेमनाथ के साथ हुई थी। उसका अभी तक गौना नहीं हुआ था
लेकिन शादी के बाद उसका पति अक्सर मिलने उसे गांव के बाहर आता रहता था। पीड़िता का आरोप है कि बीती 8 फरवरी को उसके पति ने मोबाइल पर कॉल करके गांव के बाहर बुलाया। जब वो मिलने पहुंची तो पति अपने दो दोस्तों के साथ वहां मौजूद था। सभी ने शराब पी रखी थी। आरोप है कि पीड़िता के पति ने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ दुष्कर्म किया और इस दौरान वीडियो और फोटो भी मोबाइल से बना लिया। साथ ही आरोपी पति ने घटना के बारे में किसी को बताने से मना करते हुए वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता डर के कारण चुप रही, उसने किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन इसी दौरान आरोपी पति उसे बार बार धमकाता रहा और पीड़िता के साथ गौना करने से इनकार कर दिया। बार बार मिल रही धमकी और पति के रवैये से तंग आकर पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और न्याय की मांग की। लोग आपके साथ में गलत काम किया, उन लोगों को आप जानती हैं? हाँ सर, तीनों लोगों के जानते हैं। अच्छा, तो पति ने क्या कहा आपको जब वहाँ पहुँची? तो पति ने क्या कहा? सर कुछ नहीं बोला सर, शराब पी रहे, कुछ नहीं बोला। बोले ने जो गलत काम करवाया पति को ने करवाया? हाँ सर। किसके साथ करवाया सर? अपने व्यू को गलत काम कराए और कहें सर अपने घर में बता देंगे तो कहीं घर बता देगा तो हम लेके जामना गोना कहा। कुछ वीडियो भी बनाए हैं? वीडियो? हाँ सर, वीडियो भी हैं। कैसा वीडियो बनाया सर? गलत भी वीडियो बना है। तो क्या कह रहा था वीडियो के बारे में कि हम सबको बता देंगे? कैसे क्या कह रहा था सर? कह रहे थे कि हम सबको बता देंगे तो हम लेने जाएंगे आपको। सर तीनों लोग का सजा था बनाना, अपने पति को और उस दोनों। यानी जो आपके पति हैं उनके भी खिलाफ आप सजा सकती हैं? हाँ सर। क्यों? सर मेरे साथ गलत काम करवाए। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पति और उसके दोस्तों के खिलाफ थाना मोतीगंज में 376D के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। साथ ही पीड़िता को जिला महिला अस्पताल भेजकर मेडिकल करवाया गया। पुलिस अब मामले में आगे की जांच कर रही है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसमें ये था कि एक पति अपनी, जिसकी अभी शादी हो गई थी लेकिन दोनों नहीं हुआ था, उसने अपनी पत्नी को एक जगह बुला करके उसके दो साथी और वो उसके साथ गलत कार्य किए। इसकी सूचना पर थाना मोतीगंज में 376D का अभियोग पंजीकृत किया गया है तीनों के विरुद्ध। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और गैंगरेप में उसका साथ देने वाले उसके दोनों दोस्तों की तलाश की जा रही है। और जो पति था उसको अरेस्ट कर लिया गया है, शेष दो लोगों की तलाश जारी है। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया गया था, उसका मेडिकल इलाज हो गया। हाँ, इसमें बताया गया है कि उसके पति द्वारा इस घटना की वीडियो भी बनाई गई है जिसमें विवेचना के दौरान उससे वो वीडियो ले करके उसमें ITF की धारा की भी बढ़ोतरी की जाएगी। कहते हैं जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, समाज और परिवार वाले तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभाकर दोनों को साथ पैरों में बांधने का काम करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर कहलाने वाला पति ही नशे में धुत होकर साथ पैरों की साथ कस्में भूल जाए और रक्षक की जगह भक्षक बनकर इंसानियत और रिश्तों की मर्यादा को ही तोड़ दे तो ऐसे में रिश्तों के क्या मायने रह जाते हैं। खबरदार के लिए यूपी के गोंडा से विशाल सिंह के साथ जितेंद्र भाटी की रिपोर्ट।